खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खबर पंजाब से है, जहां अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ। स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। छात्राओं ने गार्ड पर मारपीट का आरोप लगाया। आपको बता दें, आरोप है कि लॉ की पीएचडी की सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को गार्ड ने थप्पड़ जड़ दिया था, और उसके बाद स्टूडेंट्स ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर मुख्य गेट पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट गार्ड को बर्खास्त किए जाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाला जा रहा है कि आखिर इस मामले में हुआ क्या था। क्या वाकई में गार्ड की गलती है जिसने एक छात्रा को थप्पड़ मार दिया। फिलहाल कार्रवाई को लेकर छात्र किस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं, आप ये तस्वीर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी में हंगामे की तस्वीर लगातार सामने आ रहे हैं। छात्राओं ने गार्ड पर मारपीट का आरोप लगाया, और ये आरोप बेहद संगीन है। ऐसे में क्या कार्रवाई की जाती है, इस मामले में देखने वाली बात है। सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश भी प्रशासन की ओर से की जा रही है।